हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ 5 ईयर प्लान्स, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। और इस चैप्टर के ऑलरेडी हम 2-3 लेक्चर्स कर चुके हैं, 3 लेक्चर्स एक्चुअली, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। देन वी कवर्ड आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, जिसमें हमने कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के टाइप्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, और इंडिया के क्या लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स रहे हैं। ये सारी ही चीज़ें हमने लास्ट वीडियो तक, यानी कि 3 वीडियोस में कवर कर ली हैं। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। तो देखो, इसमें बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको शायद बताया भी था कि 1991, ठीक है, 1991 एक ऐसा ईयर माना जाता है इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में देखें तो, एक ऐसी पॉलिसी आई थी जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो जब हम इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को पढ़ते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 तो नहीं बोलेंगे बट 1950 के बाद से, क्योंकि 1950 में ही प्लानिंग कमीशन आया, 1951 से 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट हुए। तो 1950 से लेकर के अगर हम आज तक की इकोनॉमिक पॉलिसी को रीड करते हैं तो उसको हम 2 फेजेस में या 2 स्टेजेस में पढ़ते हैं। कैसे? जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी की, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो उसे हम 2 स्टेजेस में पढ़ते हैं। एक तो आपका हो गया प्री 1991 और एक होता है आपका पोस्ट 1991, यानी कि 1991 से पहले। 1991 से पहले का क्या मतलब है, 1950 से 1991 तक, और पोस्ट 1991 मतलब 1991 के बाद अभी तक, करेंट सिचुएशन तक। तो अभी ये वाला जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे, या फिर इस चैप्टर में भी हमको सिर्फ 1991 तक की कहानी पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिंपली अब जो हम आज वीडियो पढ़ रहे हैं कि 1991 तक इंडिया की क्या ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी रही, उसने किस किस एरियाज़ पे किस किस चीज़ पर फोकस किया ज़्यादा, क्या उस इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स थे, राइट। तो ये सारी ही चीज़ें हमको पढ़नी है आज के वीडियो में। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, ये सारे ही फीचर्स हैं, अब इन सारे फीचर्स को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके पहले नाम समझते हैं। सबसे पहला आपका है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा वो रिलाई कर रहे थे वो लोग। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर काफ़ी रेगुलेटेड था। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल एंड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अभी इतने सारे पॉइंट्स हैं, कितने हैं, 9 पॉइंट्स हैं। देखो, 9 पॉइंट्स याद करने को मैं नहीं बोलूँगी ऑब्वियसली, इन सारे ही पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं एज़ यूजुअल, जैसे हम करते हैं, समझते हैं। तो सारे ही पॉइंट्स को हम ईजिली समझ लेंगे, फिर हम उनको अपनी लैंग्वेज में ईजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखो, सारे पॉइंट्स हम समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, ठीक है, जिससे कि हमको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। सबसे पहला आपका आता है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, यानी कि देखो हमको क्या है, नई नई आज़ादी मिली थी, राइट, 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन बना लिया, हमने प्लानिंग स्टार्ट कर दी अपनी। तो अभी 1950 से पहले या फिर इंडिपेंडेंस से पहले हमने क्या फेस देखा कि भाई हमने जब चीज़ें ब्रिटिशर्स के हाथ में या किसी और लोगों के हाथ में जब छोड़ दी तो उन्होंने तो हमारा खून ही चूस लिया। तो इंडिया को ना इस चीज़ से एक ये सबक मिल गया कि नहीं, हमको अपनी चीज़ें किसी और के हाथ में नहीं देनी है, वरना एक ना एक दिन उसको लालच आएगा और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, और ऐसे ही अंग्रेज़ों ने किया था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया, उस पर ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने क्या किया, जो 17 इंडस्ट्रीज़ थी उनको रिजर्व कर दिया फॉर पब्लिक सेक्टर, मतलब कुछ 17 मेन इंडस्ट्रीज़ थी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, जिनको वो
प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनको डर था, उनको लग रहा था कि अगर हमने इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया तो हमारी जनता को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखो, पब्लिक और प्राइवेट जब भी कहीं पढ़ रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, तो ऑब्वियसली वो सारी ही चीज़ें ऐसी करेंगे जिससे कि जनता को प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, 17 इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व रखा फॉर प्राइवेट सेक्टर, और आई गेस 12 इंडस्ट्रीज़ थी जो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट कर दी। ठीक है, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ये याद रखना है, किसमें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के तहत उन्होंने 17 इंडस्ट्रीज़ यानी कि ज़्यादा 17 इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक में रखा और 12 ही सिर्फ प्राइवेट में रखी। ठीक है, और ये क्यों था, मैंने बताया ना, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, उन्हें चाहिए था सोशल वेलफेयर, क्योंकि अगर मतलब वो प्राइवेट में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ देते थे तो उनको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। ठीक है, तो वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अभी हमारे ही कंट्रोल में रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी से ही रिलेटेड है, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, ऐसा नहीं है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका डेवलपमेंट भी हुआ, जैसे पब्लिक पर, जब पब्लिक का वो डेवलपमेंट कर रहे थे पब्लिक सेक्टर का, इसी वो प्राइवेट सेक्टर का भी डेवलपमेंट कर रहे थे, बट जो प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट था इट वॉज सो, आप कह सकते हो, रेगुलेटेड या फिर कंट्रोल्ड। रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड मतलब बहुत सारे एक्ट्स और बहुत सारे नियम कायदे कानून उन्होंने उस प्राइवेट सेक्टर पर लागू कर दिए थे जिससे कि वो मतलब उनके हाथ से, पब्लिक सेक्टर के हाथ से सारी चीज़ें फिसल ना जाएं, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोई नियम कायदे कानून इतने नहीं थे, राइट? उन्होंने धीरे धीरे सारी चीज़ें छीन ली थी, पर अब उन्होंने उससे सीखा, हमारी सरकार ने, उन्होंने बहुत सारे नियम कायदे बना दिए। कैसे, मैंडेटरी लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन फॉर अ प्राइवेट इंडस्ट्री टू बी एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज एक्ट 1948। यानी कि देखो यहाँ पे शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक इंडस्ट्रीज एक्ट था 1948 में आया था, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस के जस्ट एक साल बाद, इंडिपेंडेंस 1947 में और इंडस्ट्रीज एक्ट 1948 में, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या मैंडेटरी कर दिया, एक तो तुमको भाई लाइसेंस लेना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को, और दूसरी बात तुमको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर अकॉर्डिंग टू मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस 1969। अब 1948 और 1969 दो चीज़ें याद रखनी है। 1948 में क्या आया, इंडस्ट्रीज एक्ट, दोबारा बोलो, इंडस्ट्रीज एक्ट आया 1948 में जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कर दिया। ठीक है, फिर एक आया हमारा MRT Act। ठीक है, कब आया, 1969 में। MRT का फुल फॉर्म क्या है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, पी भी लगा लो, MRTP Act। ठीक है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मोनोपोलीज आपने पढ़ा है ना, मोनोपोली आपने पढ़ा है, इनकी सिंगल फॉर्म, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में किसी की भी एक मोनोपोली नहीं होगी, इसका मतलब ये था। और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, जो भी आप ट्रेड करोगे, प्राइवेट फर्म्स जो हैं कोई भी ट्रेड करेंगी बाहरी कंट्री से, बाहर की फर्म्स से, तो क्या होगा, उन पर कुछ आप कह लो उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, उन पर कुछ टैक्स लगा देंगे, मतलब उनको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा सरकार ने कर दिया इस एक्ट के तहत कि उनकी जो भी ट्रेड कर रही हैं प्राइवेट फर्म्स, जो भी काम कर रही हैं वो कंट्रोल्ड रहे, रेगुलेटेड रहे, ये नहीं कि वो एक दिन धाबा बोल दे तुम पर पिछली बार की तरह जैसे ब्रिटिशर्स ने किया। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत क्या था, दो चीज़ें, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, फिर MRTP एक्ट 1969 के तहत उन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एक्सपेंशन को कंट्रोल रखा, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। MRTP एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, सिंपल था। तो ये हमने क्या पढ़ा कि एक तो जो पब्लिक सेक्टर था
पब्लिक सेक्टर पे वो बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे थे, यानी कि पब्लिक सेक्टर को ग्रो कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने हाथ में चाहते थे, और प्राइवेट सेक्टर पे वो रोक टोक लगा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, उसको रेगुलेट खुद ही कर रहे थे, उसको हर चीज़ें कम दे रहे थे, ठीक है, जिससे कि वो नहीं चाहते थे कि जितनी भी इकोनॉमिक पावर है वो वापस से प्राइवेट हैंड्स में चले जाए, वो ज़्यादातर चीज़ें अपने पास रखना चाहते थे, ठीक है, कौन हमारी सरकार की बात हो रही है, ठीक। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, जो कि हैवी हैवी सामान बनाती हैं। अब हैवी हैवी सामान आपका क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स टू बी डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। इनको प्रायोरिटी बेसिस पे डेवलपमेंट करने का इनका ये समझ लो मोटो था। अब ऐसा क्यों था, यही इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी बेसिस पे क्यों डेवलप करना था, क्योंकि देखो ये इंडस्ट्रीज़, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ले लो, इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगी तो क्या किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम हो पाएगा, नहीं, क्योंकि हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। नहीं, स्टील और आप कह लो स्टील और आयरन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मशीन्स बनती हैं वो स्टील और आयरन से बनती हैं, अलग अलग प्लांट्स बनते हैं उसमें स्टील और आयरन यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, इंजीनियरिंग गुड्स यूज़ होते हैं। तो जब ये सारी ही चीज़ों की इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी, यानी कि जब ये सारी चीज़ें बनेंगी नहीं, तो इनसे आगे का सामान कैसे बनेगा, और जब आगे का सामान नहीं बनेगा तो फर्दर प्रोडक्शन कैसे होगा। तो यानी कि जो हैवी इंडस्ट्रीज़ थी, इनके इनके आप कह सकते हो इनके डेवलपमेंट को करना, इनका डेवलपमेंट करना प्रायोरिटी थी उस टाइम पे सरकार की, जिससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कह लो आप कैपिटल गुड्स हों। आपको पता है ना, इनसे जो सामान बनेगा वो कैपिटल गुड्स कंसिडर किया जाएगा, राइट, प्लांट्स, मशीनरी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब कैपिटल गुड्स होंगे अपने पास, तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट एक मोटो था। और हैवी इंडस्ट्री के अलावा एक आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं, और एक होती हैं आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की प्रोटेक्शन और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का रेगुलेशन, ये भी मोटो था सरकार का, ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा था। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने घर का ही सामान यूज़ करते हैं, या फिर वो कम पैसों में चीज़ें बनाते हैं, यानी कि वो बहुत छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं, जैसे आप हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट्स की बात करो, राइट। तो उनको प्रोटेक्ट करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, नहीं तो क्या होगा, अगर वो प्राइवेट फर्म्स के हाथों आ गए तो इससे क्या होगा, उनका नुकसान होगा, उनको एक्सप्लॉयटेशन होगा। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो कि अपने आप में ही पहले से ही डेवलप्ड हैं, कि तभी तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं, तो ऑलरेडी वो डेवलप्ड हैं, तो उनका रेगुलेशन करना, जिससे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को दबा ना दे, राइट। क्योंकि देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको स्मॉल स्केल को हटा दें तो वो लोग क्या खाएंगे पिएंगे, उनको भी तो चाहिए होता है ना ये सब चीज़ें, खाना पीना, वो भी तो इंसान है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करना भी एक मोटो था, राइट। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वर रेगुलेटेड थ्रू MRTP एक्ट। अभी मैंने बताया था ना MRTP एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, ठीक है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है, MRTP एक्ट। तो इसी एक्ट के थ्रू, इस मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, नाम से समझ आ रहा है ना, एक तो किसी भी चीज़ की मोनोपोली नहीं होने देनी, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड यानी कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, उस पर आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। तो वही किया ना, लार्ज स्केल इंडस्ट्री पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, उनको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया, तो इस एक्ट के थ्रू किया। साथ ही साथ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, उनकी वो देखरेख करते थे, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करते थे, और उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते थे, उनको कंपटीशन से प्रोटेक्ट करते थे। क्योंकि देखो ज़्यादा कंपटीशन होगा, कंपटीशन अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ही जीतेंगी। जीतेंगी मतलब का क्या मतलब है, उन्हीं की सेल ज़्यादा होगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अगर कोई तरह का सामान प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उस तरह के गुड में, उस तरह के मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा ना हो। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, आप कह लो रजाइयाँ वगैरह बनाना, आप देखते होगे, ठीक है, आपको आपने सुना भी होगा, रजाइयाँ वगैरह बनाना, पॉटरी बनाना, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, और आप कह सकते हो हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स,
तो इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, राइट? तो यही मतलब है सरकार का कि जिससे कि ये लोग भी अपना खा के पी के कमा सकें, सब कुछ कर सकें, अपनी ज़िंदगी बिता सकें। अगर यही इंडस्ट्रीज़ बड़े बड़े लोग खोल लें, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बन जाएँ, तो फिर क्या होगा? छोटे लोगों को तो दबा ही देंगे ना, ऑब्वियसली। तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करना था। इनके लिए कुछ बोर्ड्स भी बनवाए गए थे, जैसे कि आपका सिल्क बोर्ड होता है, कॉटन बोर्ड होता है और हैंडलूम बोर्ड होता है। तो ये क्या करते हैं, इनको रेगुलेट करते हैं, इनको फाइनेंशियल नीड्स इनकी फुलफ़िल करते हैं, इनको पैसा देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है? तो चार चीज़ें हमने पढ़ ली हैं अभी तक। सबसे पहले अपन ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर की, यानी कि हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, वो पब्लिक सेक्टर पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। फिर आपका था प्राइवेट सेक्टर पर, उन्होंने मतलब आपके रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, रेगुलेटेड था प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? तीसरा था कि हैवी इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने को सोचा इन्होंने। और चौथा आपका प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सामान नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर की कंट्री से मंगवा रहे हैं, ठीक है? पर उससे क्या हो रहा है, हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोगों ने ये ट्राई किया कि हम अब बाहर से ना मंगवा कर वो गुड अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करें। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट कर दे, इम्पोर्ट को हटा के अपनी ही कंट्री में खुद ही से ही मतलब हम वो गुड प्रोड्यूस करें, सेल्फ सफिशिएंट बने, ठीक है? तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड सेव फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी जो हम पे करते हैं सामान लेने के बदले, इम्पोर्ट के बदले, तो हमको वो पे नहीं करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, हमारा पैसा बचेगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, फॉरेन रिजर्व बहुत ज़्यादा मेंटेन रहेगा, हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। जैसे अभी आपने सुना होगा, अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक योजना आई थी, आत्मनिर्भर योजना, जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया। बहुत सारे ऐसे गुड्स जो हम बाहर से यूज़ करते थे, इम्पोर्ट करके यूज़ करते थे, अब उनका प्रोडक्शन हमारी ही कंट्री में होता है। और इससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रेड का खर्चा बचेगा, इससे हमारे लोगों को भी तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो एक चीज़ से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम होता है, अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो एक आपकी एक्टिविटी से बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने लग जाओ कोई गुड, तो उससे आपकी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी, आपकी कंट्री के लोगों को रोज़गार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? तो ये था इम्पोर्ट को हटाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वैसे ही वो लोग कंगाल हो चुके थे यार। 1947 इंडिपेंडेंस के बाद की बात है ये, ठीक है? तो वैसे वो लोगों पे इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्या कहते हैं आप कह लो, प्रेशर था कि अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बनाना है, तो उन्होंने सोचा इतना खर्चा क्यों करें, अपनी इकोनॉमी में बनाते हैं सारी चीज़ें। फिर आया फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक है फोकस ऑन आपका इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक है फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो जितना ज़्यादा हम सेव करते हैं या फिर जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारी इनकम उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम बढ़ती है, ठीक है? तो हम जो सरकार है वो क्या करने लगी, हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करने लगी, किस पर, सेविंग्स पर। देखो अगर आपके बैंक में आपको 6% से आपको 6% इंटरेस्ट रेट है और आपको अपनी सेविंग पर 6% इंटरेस्ट रेट से वो मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, पर अगर वहीं सरकार क्या करे 6 की जगह वो उसको बढ़ा करके 8 या 9 कर दे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना पसंद करोगे कि नहीं? क्योंकि आप जितना ज़्यादा पैसा सेव करोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया उस टाइम पर, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें, सेविंग्स को ज़्यादा प्रमोट किया गया इसके थ्रू, और इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडीज़ और कैपिटल ग्रांट्स, ठीक है? कैपिटल ग्रांट्स प्रोवाइड किया है, कराए गए, ठीक है? क्या क्या प्रोवाइड किया गया, सब्सिडीज़ एंड कैपिटल ग्रांट्स, राइट? ये हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा अब हमको, फॉरेन कंपटीशन से ऐसे प्रोटेक्शन मिलेगा कि देखो ऐसा नहीं है, हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने ज़्यादा से ज़्यादा सामान को अपने ही कंट्री में सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए हमने अपनी ही कंट्री में खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। पर ऐसा नहीं है कि हम यार एक बार में सारी ही चीज़ें मतलब बाकी दुनिया से लेना छोड़ दें और उनको एक्सपोर्ट करना छोड़ दें, बस अपनी कंट्री पर ही ध्यान दें, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो हमने क्या किया, मतलब सरकार ने क्या किया,
हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स, यानी कि जो भी सामान आएगा, अब कुछ तो ज़रूरत का सामान होता ही है, मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती, तो वो तो इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, उस पर भी क्या किया आपका हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है, यानी कि अगर मान लो मैं क्या कर रही हूँ, 600 टन्स का वीट ख़रीद रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगाऊँगी। मान लो वैसे 1 करोड़ रुपए का ये समझ लो आपका टैक्स है, 1 करोड़ रुपए का वो सामान है पूरा, ठीक है, पर उस पर भी मैं एक एक्स्ट्रा, आप कह लो टैक्स की तरह ही होता है ये, पर इस इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम उसे इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं, इम्पोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसे इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं, तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाऊंगी, तो हाई इम्पोर्ट ड्यूटी, जिससे कि क्या होगा, अब मैं ये इंडिया है, ठीक है, ठीक है, हम मान लो कुछ चीज़ खरीद रहे हैं जर्मनी से, अब जर्मनी हमको कोई चीज़ भेजेगा, ठीक है, इसके बदले हम उसको पैसे देंगे, अब वो जब हमको कोई चीज़ भेज रहा है और हम उस पर लगा दें इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी कि जब भी वो कोई चीज़ भेजेगा, जब भी वो कोई चीज़ भेजेगा तो उसको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी हमने लगा दी, ठीक है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटी भी रेस्ट्रिक्ट कर दी कि इतनी अमाउंट से ज़्यादा आप हमारी कंट्री में इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक, इतना ही इम्पोर्ट करना होगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, फॉरेन कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखो क्या होता है, जब ज़्यादा फॉरेन गुड्स हमारी कंट्री में आएंगे, आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, मान लो आप अभी हमारी कंट्री में 5 लिमिटेड ब्रांड्स हैं किसी चीज़ के, किसी भी चीज़ के 5 ब्रांड्स हैं, अब इसी जगह 4 ब्रांड्स और आ जाएँ फॉरेन कंट्रीज़ के, तो ऑब्वियसली वो हमारी कंट्री के जो 5 ब्रांड्स हैं उनके साथ कॉम्पीट करेंगे, अच्छा खासा कंपटीशन होगा, तो इससे जो हमारे 5 ब्रांड्स थे इंडिया के जो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे थे, तो उनकी इनकम थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, क्योंकि कुछ लोग इधर बट जाएंगे, इससे फॉरेन कंपटीशन बढ़ेगा, तो इसी को कम करने के लिए हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी और क्वांटिटी भी रिस्ट्रिक्ट कर दी, सिंपल था ना, तो हमने 5 पढ़ लिए, देखो दोबारा हर बार रिवाइज करो, सबसे पहले पढ़ा आपका हैवी रिलायंस ऑन आपका पब्लिक सेक्टर, ठीक है, फिर था रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, फिर हमने पढ़ा कि आपका डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, फिर हमने पढ़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, अब हमने पढ़ा 2 चीज़ों पे फोकस, क्या था, फोकस ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, फिर है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, अब 2 पॉइंट्स रह गए, उसके बाद ये हमारा टॉपिक भी ख़त्म, ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले आता है यहाँ पे जो मतलब आई मीन 8th पॉइंट जो है रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जिससे हम क्या करते हैं किसी ना किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, पैसा लगाते हैं अपना, इसी तरह क्या होता है हमारी कंट्री दूसरी कंट्रीज़ की किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, दूसरी कंट्रीज़ हमारी कंट्री में आके किसी भी आप कह लो प्रोडक्शन में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, तो उस पर भी कंट्रोल लगा दिया, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इसे हम कहते हैं FDI, FDI का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर भी आपने क्या कर दिया, आप कह लो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ऐसा क्यों किया, जैसे कि मान लो अगर आपके पास कोई फर्म है, आप एक फर्म के मालिक हो, तो इसके 100% स्टेक, या फिर आप कह लो अभी नॉर्मल भाषा में समझे तो आपका फुल कंट्रोल है इस पर, 100% कंट्रोल है, यहीं अगर कोई विदेशी कंपनी आके, कोई फॉरेन कंपनी आके क्या करे, आपके 51% या उससे ज़्यादा स्टेक्स या फिर शेयर्स खरीद लेती है, तो वो उसकी कह लो उसकी कंपनी बन जाएगी, आप अभी सिंपल लैंग्वेज में समझो, क्योंकि मिनिमम 51 तो होना ही चाहिए, अगर दूसरी पार्टी के पास होगा तो कितना होगा, 49 ही बचेगा, तो वो तो कम हो गया, जिसके पास कम है उसकी कंपनी रही नहीं, बराबर ही होगा तो 50-50 होगा, तो अगर 51% या उससे ज़्यादा कोई और बंदा इन्वेस्ट कर लेता है उसमें, कर देता है, ठीक है, तो वो ऑफिशियली उसका ये कह लो मालिक हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, FDI को कंट्रोल
किया गया, मतलब उसको रेगुलेट किया गया, जिससे कि और कोई विदेशी कंपनी आके वापस से हमारी कंट्री में ऐसे इन्वेस्ट करके उसको अपने, मतलब ये कह लो हड़प ना ले, सिंपल भाषा में समझोगे, ठीक है। और ये किसके थ्रू किया गया? थ्रू फेरा। अब ये फेरा क्या है? देखो फेरा एक एक्ट का नाम है, ठीक है। फेरा क्या है? फॉरेन आपका एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, हम बात कर रहे हैं FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट है हमारे इंडिया में, दैट इज FERA, फेरा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। पर इसका नाम अब जाके हो गया है FEMA, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वैसे मैं कन्फ्यूज़ हूँ, शायद पहले ही फेमा था, अभी फेरा हो गया, ये चीज़ आप प्लीज़ खुद से सॉर्ट कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो FDI को कंट्रोल किया गया थ्रू फेरा टू मिनिमाइज इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये तो मैंने बताया कि इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट यानी कि हमारी कंट्री के मार्केट पे जो कंट्रोल है किसका, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, उसको कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो अगर आपसे अभी कोई पूछता है कि अभी कितना FDI अलाउड है हमारे इंडिया में, तो वो है 74%, उससे ज़्यादा नहीं, यानी कि कोई भी विदेशी कंपनी आके हमारी कंट्री में मैक्सिमम 74% ही इन्वेस्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, राइट। लास्ट हमारा बचता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब सिंपल ये है कि जो भी आपके प्रोग्राम्स या पॉलिसीज या स्कीम्स लॉन्च की जा रही थी स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, वो दोनों कोऑर्डिनेट कर रही थी, साथ में थी, बैलेंस्ड थी, पैरेलल थी। ये नहीं कि स्टेट अपना अलग ही चले जा रहा है और सेंट्रल जो मतलब गवर्नमेंट है वो अलग ही चले जा रही है धुन में, ऐसा नहीं है, दोनों कोऑर्डिनेट करके साथ में चल रहे थे, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी। अब देखो फटाफट से हम सारे ही आपके जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े उनको हम दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद रहें। हमने पढ़ा क्या? फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग परस्यूड टिल 1991, ठीक है, परस्यूड इन इंडिया टिल 1991। और ये मैंने बता दिया 1991 तक क्यों, क्योंकि 1991 के बाद एक ऐसी पॉलिसी आई 1991 में, जो आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे, जिसके बाद इंडिया की हालत और ज़्यादा सुधर भी गई और अच्छी हो गई, राइट। तो अभी 1991 तक जो इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके क्या क्या फीचर्स थे? सबसे पहले हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा आप कह लो डेवलप वगैरह किया गया, ठीक है, राइट। और फिर था आपका रेगुलेशन किसका? प्राइवेट सेक्टर का, राइट, ये हो गए दो। फिर तीसरा आपका क्या था कि डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जो भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट हो गया। फिर आपका क्या था? प्रोटेक्शन, किसका प्रोटेक्शन करना था अपने को भाई, अपने को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का तो प्रोटेक्शन करना है, और हमको रेगुलेशन किसका करना है? रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, डन। ये चार पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। अब फिर आता है आपका इसके बाद फोकस, दो फोकस थे, ठीक है। पहला था फोकस ऑन आपका सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस। उसके बाद आपका क्या है, दोबारा से रिकॉल करो, खुद बताओ, सोचो जल्दी से। फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि इम्पोर्ट को हटाना था, हमको ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स अपनी इकोनॉमी में बनाने थे, राइट, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फिर आपका क्या था कि रेगुलेशन ऑन फॉरेन, रेगुलेशन ऑन आई गेस फॉरेन एक्सचेंज, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेशन था। एक बार मैं दोबारा से चेक करती हूँ, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, ओके, इट वॉज प्रोटेक्शन फ्रॉम, ये है हमारा, इसमें भी प्रोटेक्शन करनी है। एक तो हमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की प्रोटेक्शन करनी थी, और एक हमको प्रोटेक्शन फ्रॉम, किससे प्रोटेक्शन करनी है, आपकी फॉरेन कंपटीशन से, राइट। फिर एक आपका आता है कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी, राइट, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हुआ करती थी, यानी कि सब जो आपके स्टेट्स हैं वो सेंटर के साथ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते थे। कितने हो गए?
या 8 हो गए हैं। अब इसके बाद आखिरी आपका बचा है रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, राइट। रिस्ट्रिक्शन ऑन आपका फॉरेन कैपिटल, तो यानी कि फॉरेन कैपिटल पर रेस्ट्रिक्शन था और फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन चाहिए था। तो फॉरेन की मतलब जितनी भी चीज़ें उनसे हमको छुटकारा ही चाहिए था। फॉरेन आप कह सकते हो, दोबारा से याद करो, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन, फॉरेन कैपिटल पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। तो ये सारे 9 पॉइंट्स हैं जो कि हमको बताते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हुआ करती थी 1991 तक इंडिया की, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 से 1991 तक, उसके क्या क्या फीचर्स थे, इंडिया ने किस किस पर फोकस किया, किस किस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया, कहाँ कहाँ पर किस चीज़ का डेवलपमेंट पर फोकस किया, किस चीज़ को आप कह सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करी। तो ये सारी ही चीज़ें अपने अपने जहन में रखनी है, राइट। और इसी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो लास्ट वीडियो होगा मोस्ट प्रोबली, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी 1991 तक की, इसके क्या क्या आप कह सकते हो सक्सेस थी, कैसे कैसे इसके अचीवमेंट्स से कैसे कैसे सक्सेस हुई, कितनी सक्सेस हुई, किस हद तक, और साथ ही साथ क्या क्या इसके फेलियर्स थे। तभी 1991 में एक नई पॉलिसी लाई गई थी, जैसा मैं अभी इतनी देर से बोल रही हूँ, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ आपका दिस पॉलिसी, ठीक है, 1950 से 1991 तक। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इसी के साथ वीडियो एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू लाइक इट और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप कॉमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी टेक्स्ट कर सकते हो पर्सनली, उसका आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर मुझे। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।